आगरा में फ्लाइट लेफ्टिनेंट दीनदयाल दीप और उनकी पत्नी कैप्टन रेनू तंवर की मौत से हर कोई हैरान है। दोनों ने 2 साल पहले ही शादी की थी, एक दूसरे से बेनतहा प्यार भी करते थे। अचानक पति के सुसाइड करने के बाद पत्नी ने भी सुसाइड कर लिया, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा अधूरी रह गई। नमस्कार, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में दीनदयाल दीप और उनकी पत्नी कैप्टन रेनू तंवर की मौत के बारे में बताया था, इस खबर में आगे जानते हैं कि क्या हुआ रेनू तंवर की अंतिम इच्छा का, जो कि उन्होंने अपने सुसाइड नोट में जाहिर की थी कि मेरा अंतिम संस्कार मेरे पति के साथ किया जाए और उनके हाथों में हाथ रखकर किया जाए। जानते हैं पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के आगरा में तैनात फ्लाइट लेफ्टिनेंट दीनदयाल दीप और उनकी पत्नी कैप्टन रेनू तंवर की प्रेम कहानी का इतना दुखद अंत होगा ऐसा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, 2 साल पहले ही उन्होंने शादी की थी। दीनदयाल आगरा के वायुसेना स्टेशन में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात थे और कैप्टन रेनू तंवर सैन्य अस्पताल आगरा में एमएनएस में काम कर रही थी। दोनों शाहगंज के खेरिया मोड़ स्थित एयरफोर्स के सरकारी आवास में साथ रहते थे। 15 अक्टूबर को एक ऐसा दिन था जब लेफ्टिनेंट का शव मिला। उनका शव वायुसेना परिसर में मिला। उन्होंने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अभी उनकी आत्महत्या के कारणों पर जांच चल रही थी कि वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी कैप्टन रेनू तंवर 14 अक्टूबर को अपनी मां कौशल्या का इलाज कराने के लिए भाई के साथ एम्स दिल्ली गई थी। मां एम्स में भर्ती थी और भाई उनके साथ था और कैप्टन रेनू तंवर ऑफिसर्स गेस्ट हाउस में ठहरी हुई थी। जैसे ही उनको अपने पति के आत्महत्या की सूचना मिली तो उन्होंने आगरा जाने के बजाय खुद भी सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने से पहले उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा एक नोट में लिखी थी कि उनका अंतिम संस्कार पति के साथ ही किया जाए, उनके हाथ को पति के हाथ पर रख दिया जाए। लेकिन आगरा के ताजगंज मोक्षधाम में फ्लाइंग लेफ्टिनेंट दीनदयाल दीप का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। वायुसेना के जवानों ने उन्हें पूरे राज्य की गरिमा के साथ विदाई दी। लेकिन इस अंतिम यात्रा का एक दर्दनाक पहलू यह भी था कि उनकी पत्नी कैप्टन रेनू तंवर की अंतिम इच्छा को पूरा नहीं किया जा सका, जिससे एक अधूरी प्रेम कहानी का अंत हो गया। कैप्टन रेनू तंवर ने अपनी अंतिम इच्छा अपने सुसाइड नोट में लिखी थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा था कि वह चाहती है कि उनका अंतिम संस्कार उनके पति फ्लाइट लेफ्टिनेंट दीनदयाल दीप के साथ एक ही चिता पर किया जाए, उनके हाथ को उनके पति के हाथ पर रखा जाए। यह उनकी आखिरी ख्वाहिश थी जिसे वह पूरा होते हुए देखना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो सका। यह कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी ही नहीं बल्कि यह जीवन की अनिश्चितताओं और मुश्किलों को भी उजागर करती है। यह सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिससे एक मजबूत महिला को इस तरह का कदम उठाना पड़ा। फ्लाइंग लेफ्टिनेंट दीनदयाल दीप और कैप्टन रेनू तंवर की अधूरी प्रेम कहानी ने हर किसी के दिल को छू लिया। उनका यह दर्द भरा अंत आज भी कई दिलों में सवाल और दुख छोड़ गया, लेकिन इस अधूरे अंत ने यह साबित कर दिया कि कभी कभी जिंदगी की कहानियों का अंत वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। कैप्टन रेनू तंवर की अधूरी इच्छा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।